हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के इस वन शॉट वीडियो में मैं क्लास ट्वेल्थ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं बता दूंगा, और यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसमें सब्जेक्टिव और एंड में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी ज़रूर करनी है और उसके बाद ये तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ध्यान रखना। चैप्टर का नाम क्या है? संबंध एवं फलन। तो बिना किसी देरी के आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि समुच्चय में ये दे रखा है और संबंध में ये दे रखा है। द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मिध है और ना ही संक्रामक है। ये हमें सिद्ध करना, यानी कि दिखाना है। अब यहाँ देखिए, एग्जाम में जैसे लिखना है ना वैसे ही लिखवाऊंगा मैं आपको। यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है, जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें? समुच्चय, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी होता है ना। अगर प्रेजेंटेशन सही नहीं रखोगे तो नंबर पूरे नहीं मिलते। ये हमारा समुच्चय दे रखा है और जो संबंध हमें दे रखा है, संबंध आर, वो हमें दे रखा है। देखो, एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, फिर एक का दो के साथ और फिर दो का तीन के साथ, ये है। ये बोला स्वतुल्य है। ये क्या बोल रहा है? स्वतुल्य है। अब यहाँ आ जाइए नंबर वन, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य के लिए देखो, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं समुच्चय में, एक दो तीन है तो खुद का खुद के साथ होना चाहिए। एक का एक के साथ है, दो का दो के साथ है और तीन का तीन के साथ है। तीन है तो तीनों को होना चाहिए था। तो ये लिखेंगे चूंकि, चूंकि 1.1, 2.2 और 3.3 आर में है, अतः आर स्वतुल्य है। मतलब दिया गया संबंध क्या है? स्वतुल्य है। नंबर टू पे आ जाओ। अब आपको चेक करना है सममित। सममित में क्या होता है? अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। यहाँ देखिए, अब वन का संबंध टू के साथ है, ठीक है कि नहीं? चूंकि 1.2 आर में है। क्या 2.1 आर में है? ढूंढो, 2.1 कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 2.1 आर में नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है, यह सम्मित नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे नंबर पर, संक्रामक। संक्रामक चेक करो। अब देखो, जैसे ए का संबंध बी के साथ होता है, बी का संबंध सी के साथ होता है, तो हमें ए का संबंध सी के साथ दिखाना होता है। देखो, यहाँ वन का संबंध टू के साथ है, टू पे खत्म हुआ, टू से स्टार्ट होना चाहिए, दो का संबंध तीन के साथ है। तो देखो, यहाँ लिखेंगे चूंकि वन का संबंध टू के साथ है और टू का संबंध थ्री के साथ है, तो वन और थ्री होना चाहिए था। क्या वन का संबंध तीन के साथ है? कहीं पर दिख रहा है आपको? वन को मथ्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं है। अतः ये जो आर है संक्रामक नहीं है। तो यही हमें सिद्ध करना था, आराम से हो गया। अगर कोई संबंध स्वतुल्य, ठीक है, सममित और संक्रामक तीनों होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं, एग्जाम में आता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। ये हम चेक करते हैं। ये ऐसा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पहला वाला, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको लिया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले आपके पास देख लो, मैं आपको इसको चित्र बना के दिखाऊंगा। कई लोग इसको दूसरे वे में कर दें, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीके समझाऊंगा। तो मेरे पास क्या है, मैं चित्र बना के दिखा दूँ। ये मेरा एक्स होता है, ठीक है, और ये मेरे पास वाई है, ठीक। ये मेरे पास क्या होता है? एक्स होता है, ये मेरे पास वाई होता है, और एक्स से वाई में हमारा संबंध जा रहा है, ठीक है। देखो, यहाँ पर 3x, चूँकि 3x माइनस वाई हमारे पास जीरो है,
तो माइनस का उधर के प्लस का हो गया, तो वाई बराबर हमारे पास क्या है, वाई बराबर हमारे पास थ्री एक्स है। और एक्स क्या होता है, देखो समुच्चय है। एक्स आप कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो, एक से लेकर चौदह तक ले सकते हो, ठीक। तो यहाँ से एक से लेकर चौदह तक है, ले लो एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ठीक है। इसके पास भी वही है, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, मैक्सिमम आपके यहीं तक जा सकते हो, इससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि समुच्चय आपको ये दे रखा है, इससे बाहर का अलाउड नहीं है, है ना, समुच्चय के अंदर के ही होने चाहिए। अब जैसे ही आप एक्स की जगह एक रखोगे, ठीक है, यदि एक्स बराबर वन रखोगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रखोगे तीन एक कम तीन हो जाएगा, तो एक रखने पे मुझे तीन मिला। ऐसे ही दो रखोगे, दो रखने पे दो तीन छः मिलेगा, तीन रखने पे तुम्हें तीन तीन नौ मिलेगा, ठीक है, चार रखने पे चार तीन बारह मिलेगा, पाँच रखने पाँच तीन पंद्रह, क्या पंद्रह सेट के पास मौजूद है, नहीं है, तो पाँच हम नहीं ले सकते। अतः जो संबंध आर होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक का तीन के साथ, फिर दो का छः के साथ, तीन का नौ के साथ, चार का बारह के साथ, ठीक है ना, यही मेरे पास संबंध होंगे, ये संबंध मेरे पास बनेगा, ये संबंध हमारे पास बनेगा। अब देखो संबंध हमारे पास आ गया आँखों के सामने, अब आप फटाफट निकाल सकते हो, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। कई टीचर दूसरे रूप में करवा दें लेकिन मैंने सबसे आसान वे बताए हैं, और ऐसे ही करना एग्जाम में बेस्ट पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले आ जाओ शोतुल्य में, शोतुल्य में क्या होगा, खुद का खुद के साथ, सेट के पास मेंबर कितने, एक से लेकर चौदह तक, एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, चौदह का चौदह के साथ तक होना चाहिए था, यहाँ पर एक का भी नहीं है, चौदह का चौदह चौदह बार चाहिए था, यहाँ एक बार भी नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि वन कॉमा वन आर में नहीं है, ए टी सी मतलब वन कॉमा वन टू कॉमा टू इस टाइप के में नहीं है आर में, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। ये क्या है दोस्त, स्वतुल्य नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मिटाते हैं। अब आते हैं दूसरे वाले संबंध में, सममित चेक करो, सममित नंबर टू, सममित चेक करते हैं। सममित में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए, क्योंकि 1,3 आर में है, क्या 3,1 आर में है, 1,3 आर में है ना, क्या 3,1 आर में है, इसके अंदर है 3,1 नहीं है, तो ये सममित भी नहीं है, अतः यह सममित नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए संक्रामक पर चेक करो, सममित भी नहीं, संक्रामक चेक करो, संक्रामक, संक्रामक क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है, देखो ये चूंकि 1,3 आर में है, तीन पे खत्म हो, तीन से शुरू करो, यहाँ से 3,9 आर में है, तो एक का संबंध नौ के साथ होना चाहिए, क्या आर में है एक का संबंध नौ में, यहाँ है एक 1,9 इसके अंदर है, बिल्कुल नहीं है, अतः यह संक्रामक भी नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है, तीनों में से कुछ भी नहीं गया है, आराम से हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, जैसे जैसे अभी एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता, हम और एक ले लेते हैं, और एक करते हैं, उसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। सो देखो ये हमारे पास संबंध दे रखा है कि जो वाई है एक्स प्लस पाँच के बराबर है, तो मैं फिर से इसको चित्र के द्वारा समझाऊंगा, ये एक्स होता है और ये वाई होता है, ठीक है। कंडीशन क्या बोला है कि जो आप एक्स लोगे ना वो चार से छोटा है, चार से छोटा है, ये आपका एक्स होता है, ये आपका वाई होता है, वाई किसके बराबर है, एक्स प्लस पाँच के बराबर है, ठीक। और एक्स का जो मान लेना है वो चार से छोटा लेना है, एक दो तीन, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप मान, तो रखो चूँकि वाई बराबर क्या है, एक्स प्लस पाँच है, अगर एक्स का मान एक रखोगे, ठीक है, यदि एक्स बराबर एक तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, छः,
दो रखोगे, दो प्लस पाँच सात, तीन रखोगे, तीन प्लस पाँच आठ, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो, इसलिए संबंध जो हमारे पास हो जाएगा वो एक ने मुझे छः दिया, दो ने मुझे सात दिया और तीन ने मुझे आठ दिया। तो ये जो संबंध है ये भी ना तो स्वतुल्य होगा, ना सममित होगा, ना ही संक्रामक होगा, ठीक है जी, क्योंकि वो खुद का संबंध खुद के साथ नहीं है। 1.6 अंदर इसके अंदर है तो वो नहीं है, तो तीनों में से कोई नहीं होगा ये भी, ठीक है। बिल्कुल सेकंड जो भी किया था उसकी तरह ये क्वेश्चन था, आराम से हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर हमारे फंक्शन जो दे रखा है 2x है द्वारा प्रदत्त फलन, फलन जो जा रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहे हैं, एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। चलिए हल करके दिखाते हैं आपको, मैं जो भी वो दिखाऊंगा चित्र बना के दिखाऊंगा, ठीक। एग्जाम में कैसे लिखना है चलो वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, हमें दिया है फंक्शन एफ एक्स जो दे रखा है वो है 2x, और जो फंक्शन हमारा जा रहा है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला चित्र बना के दिखाऊंगा, मैं आपको बनाते हैं चित्र, ये x और ये y होता है सिंपल, ठीक है, ये x और ये y, ठीक है, y हमारे पास क्या है 2x के बराबर है, इसके पास सारे नेचुरल नंबर है और इसके पास भी सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। देखो आप, यदि यदि x बराबर अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ जैसे 1 रखूँगा तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 रखने पे मुझे कितना मिला, 2 मिला। अगर मैं 2 रखूँगा तो मुझे कितना मिला, 2 × 4 मिलेगा, 3 रखूँगा तो मुझे 6 मिलेगा, 4 रखूँगा तो 8 मिलेगा, 5 रखूँगा तो 10 मिलेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। एक एक के लिए क्या होता है, अगर हम एक इनपुट रखते हैं तो हमें एक ही आउटपुट देना चाहिए, एक इनपुट एक ही आउटपुट देगा, तो उसे हम एक एक ही कहते हैं। ये तो मैंने आपको चित्र बाई फिगर दिखा दिया, ठीक है, आपको मैंने ये क्या दिखा दिया, बाई फिगर दिखा दिया, अच्छा तक नहीं है। चलो अब यहाँ लिखेंगे एक एक के लिए, सबसे पहले एग्जाम में जैसे लिखना बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ, एक एक के लिए। अच्छा यदि x बराबर है तो y बराबर 2 × 1 2 हो जाएगा, दिखा दिया एक, ठीक है। एक के लिए क्या होता है, यदि fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है कि x1 और x2 को बराबर दिखा देते हैं तो फलन क्या होता है, एकाकी होता है। तो इस सूत्र में रख दो यहाँ पर fx1 x फंक्शन का 2x, तो ये हो जाएगा 2x1 और ये हो जाएगा 2x2, 2 से 2 घटा तो x1 बराबर x2, और ये जो फॉर एवरी x1 एंड x2 कहाँ से आएंगे, इस x से आएंगे, नेचुरल नंबर से आएंगे, ठीक है। अतः फलन एक एक ही है, ठीक है, अर्थात फलन हमारा क्या है दोस्त, एक एक ही है। देखो मैंने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखे हैं, वो जरूर देख लेना और NCERT जरूर से कर लेना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, NCERT अगर मेरे तरीके से देख लोगे ना तो हर क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। एक एक ही हो गया, अब आ जाओ अच्छा तक के लिए, आच्छादक के लिए, ठीक है। आच्छादक के लिए क्या होता है, माना जो फंक्शन x होता है उसको हम y मान लेते हैं, ठीक है, तो y बराबर हमारे पास है 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y बट्टे 2, x बराबर क्या हो जाएगा, y बट्टे 2 हो जाएगा। ये प्रोसेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो यहाँ देखिए, अब ये चित्र बना के मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद समझ जाओगे कि दूध का दूध पानी का पानी, आप खुद को बोलने लगोगे। x हमारे पास क्या है, y का बट्टे y बट्टे 2, और यह हमारा y होता है, ये हमारा फलन जा रहा है इस पर, ठीक है। अब देखो अच्छा तक क्या होता है कि इसके बाद जितनी भी अवयव हैं, n है पूरा, यानी कि नेचुरल नंबर का पूरा सेट इसके पास है और इसके पास भी है, लेकिन क्या होता है कि इन सब का प्री इमेज यहाँ होना चाहिए, इन सभी तत्वों का, जितने भी तत्व इसके पास
उपस्थित है उन सबका प्री इमेज यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। अब देखो किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो बाई स्टेटमेंट हम प्रूफ करते हैं, जैसे कि क्या लिख किया था, और किसी चीज़ को अगर हम मना करना है तो बाई एग्जाम्पल लेके मना करके दिखाना होता है। तो देखो मैं ले लेता हूँ, यदि वाई बराबर मैंने एक ले लिया जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो वाई एक मैंने लिया तो एक नेचुरल नंबर होता है इसके अंदर उपस्थित है, तो जैसे ही मैंने वाई एक लिया तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा, एक सूत्र में जब रखोगे एक बट्टा दो, तो जो वन की प्री इमेज है वो वन बाई टू आ रही है। तो किसी एक का भी अगर नहीं मिलता है तो अच्छा तक नहीं होता है, किसी एक का भी नहीं मिलता है, और यहाँ बहुत से पद मिलेंगे जिसका नहीं मिलेगा। तो मैं देखो एक्स वाई मैंने एक लिया जो कि नेचुरल नंबर है, तो उसका प्री इमेज मुझे वन बाई टू मिला, जो कि वन बाई टू क्या होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता, और इसके बाद सारे नेचुरल नंबर ही हैं, प्राकृतिक संख्या ही है, तो वन बाई टू इसके पास है ही नहीं। तो लिखेंगे चूंकि हिंदी में क्या लिखते हैं, ऐसे लिख दो, चूंकि ये दिखाने के बाद ऐसे लिख देना, चूंकि रेंज और कोडोमेन वो आपस में बराबर नहीं है। देखो जब भी सहप्रांत नहीं होता है ना, तो उस स्थिति में रेंज और कोडोमेन कभी बराबर नहीं होते, और जब होते हैं तो दोनों बराबर होते हैं। रेंज मतलब परिसर, कोडोमेन मतलब सहप्रांत, परिसर और सहप्रांत कभी भी बराबर अगर नहीं है तो उस स्थिति में यहाँ पर अच्छा तक नहीं होगा, अगर बराबर है तो अच्छा तक होगा। ये एक तरीका है लिखाने का, ये भी लिख सकते हो, इसके साथ साथ और भी क्या लिख सकते हो, चूंकि हिंदी भी लिख देना, चूंकि सहप्रांत में उपस्थित एक का प्रतिचित्रण वन बाई टू प्राकृतिक संख्या में उपस्थित नहीं है, डोमेन में उपस्थित नहीं है, प्रांत में उपस्थित नहीं है, अर्थात दिया गया फलन अच्छा तक नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप के, तो आपको थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे ये मैंने फलन ले लिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ये जा रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ठीक है, ये आप चित्र देख के बता दोगे, इसको मैं आपको चित्र देख के समझा देता हूँ। देखो ये हमारा एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है, और ये हमारा फलन है इसमें, ये इसके पास सारे नेचुरल नंबर हैं, इसके पास सारे नेचुरल नंबर हैं, फंक्शन मुझे दे रखा है ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। देखो क्या ये एक एक ही है, बिल्कुल, देखो एक्स इसके पास मैंने एक्स बराबर वन रखा, तो वन का वर्ग कितना होता है वन, टू रखा, टू का वर्ग कितना होता है चार, तीन रखा, तीन का वर्ग कितना होता है नौ, ऐसे चलता रहेगा। तो देखो एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, ठीक है, जब एक इनपुट एक ही आउटपुट दे तो वो एक क्या की होता है, तो ये क्या की है, लिखने का तरीका क्या होता है, देखो चूंकि क्या के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यहाँ लेके चलते हैं, यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यहाँ रखेंगे एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर, तुलना करोगे वर्ग से वर्ग कटेगा एक्स वन बराबर एक्स टू, ठीक है, और यहाँ से हर एक एक्स वन और एक्स टू कहाँ से आ रहे हैं, एन से आ रहे हैं, ठीक है, अर्थात ये फलन एक एक ही है, एक एक ही तो हो जाएगा ये पहला वाला। अब बात आती है अच्छा तक के लिए, दिमाग लगाओ भाई अच्छा तक है कि नहीं बताओ। तो देखो अच्छा तक नहीं होगा, कैसे, देखो अच्छा तक के लिए क्या होता है, माना एफ एक्स बराबर हम वाई मानते हैं, तो वाई हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई हो जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई। अब देखो चित्र में आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ देखो थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास वही, और एक्स अंडर रूट वाई के बराबर है, किसके बराबर है वो अंडर रूट वाई के बराबर। अब आप खुद बोलोगे चूंकि मैंने वाई ले लिया दो, एक प्राकृतिक संख्या है, इसके अंदर दो ज़रूर होगा क्योंकि पूरा पूरा एन है ना इसके पास, वाई के पास पूरा एन है, तो दो तो एन के पास है ना, दो प्राकृतिक संख्या होती है, बिल्कुल होती है, और एक्स एक्स बराबर क्या है, दो का प्रतिचित्रण देखना चाहते हैं हम, सूत्र क्या है अंडर रूट वाई, तो रखो ये जो अंडर रूट दो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, किसी भी एक का अगर छूट जाएगा ना प्रतिचित्रण तो फिर वो अच्छा तक नहीं होता है। तो देखो दो नेचुरल नंबर में और इसका जो प्रतिचित्रण है वो अंडर रूट दो आ रहा है जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है, तो लिखोगे दो
ये जो दो संख्या है वो हमने कहाँ से लिया, सह प्रांत से लिया है। दो संख्या सह प्रांत में उपस्थित है और इसका प्रतिचित्रण अंडर रूट दो प्रांत में उपस्थित नहीं है, अर्थात इसका प्रतिचित्रण नहीं मिला, ठीक है। और इस केस में आप ये लिख दोगे, अर्थात रेंज जो है ये ज़रूर लिख देना, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज मतलब परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है, अर्थात दिया गया फलन आपका क्या नहीं है, अच्छा तक नहीं है। जब कोई फलन एक या की और अच्छा तक दोनों होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, एक या की अच्छा दी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, हो गया। अब वही क्वेश्चन है, हम देखो क्वेश्चन वही है जो अभी हमने किया था, हमने क्या चेंज कर दिया है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जेड से जेड में जा रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। बच्चे को लगता है कि ये क्वेश्चन है, सर ये भी एक्स स्क्वायर है, सर ये भी एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन सेम है, नहीं भाई बहुत बड़ा अंतर है, ये चेंज हो गया है। अब देखो क्या हो जाएगा, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पता लग रहा है और आपका रिवीजन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ, ज़रूर हो रहा होगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सेट किए हैं ताकि बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता लग जाए और उनका रिवीजन भी हो जाए, इस फॉर्मेट में सेट किया है क्वेश्चन को। देखो अभी मैंने आपको बोला था कि ये हमारा एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है और वाई हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर है, एक या की चेक करो। इसके बाद जेड मतलब पूर्णांक है, सारे पूर्णांक जानते हो ना, पूर्णांक क्या होता है, जेड 0, 1, 2 इधर चलता रहता है, -3, -2, ऐसे इधर ये सब चलता रहता है, जानते हो ना आप। सो देखो अगर दो इनपुट सेम आउटपुट दे दे तो वो एकाकी नहीं होता है, देखो आप जानते हो ना। अब आप देखो, मैंने एक रखा x के जगह पर, एक का वर्ग क्या होता है, एक होता है, मैंने x के जगह पर माइनस के भी एक रखा क्योंकि इसके पास माइनस का भी है और प्लस का भी है z के पास, तो -1 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दो इनपुट ने एक आउटपुट दिया है तो ये क्या है, क्या कि नहीं है, तो लिखेंगे कैसे, चूंकि -1 बराबर नहीं है 1 के, परंतु f -1 ने भी मुझे 1 दिया और f +1 ने भी मुझे 1 दिया। अच्छा 1 कैसे दिया वो भी लिख के दिखा दो ना, मैं तो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट कर दे रहा हूँ। इस सूत्र में रखेंगे ना, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, अतः यह एकाकी नहीं है, यह एकाकी नहीं है, ठीक। अब बात करेंगे अच्छादक के लिए, क्या ये अच्छादक होगा, कमेंट करके पहले पॉज वीडियो में पॉज करो और थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या भैया ये अच्छादक होगा या नहीं होगा, मैं जानना चाहता हूँ, आप कमेंट में मुझे क्या बताते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, क्योंकि क्वेश्चन आपको खुद करने, बोर्ड एग्जाम है, मैं तो आऊँगा नहीं, अगर मैं आके कर दिया तो बात ही अलग होती है कि नहीं। अच्छा तक फंक्शन प्रोसेस क्या होता है, माना एफ एक्स वाई को हम वाई मान लेते हैं, तो वाई हमारे पास क्या है भैया, एक्स स्क्वायर है, ठीक, तो एक्स बराबर क्या है, अंडर रूट वाई, ठीक है भाई। भैया माना वाई मैंने 2 ले लिया जो कि जेड में उपस्थित होता है, पूर्णांक है जेड, 2 एक पूर्णांक है, और तो इसलिए एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई है, अंडर रूट 2 पूर्णांक नहीं होता है, ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो दोस्त फिर से वही चीज आ गई, 2 मैंने एक संख्या ली जो कि जेड में उपस्थित है, परंतु अंडर रूट 2 आ गया, इसका प्री इमेज प्रतिचित्रण क्या आ गया, अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 जेड में उपस्थित नहीं है, अर्थात इसका प्रतिचित्रण एक का भी अगर छूट जाता है तो वह अच्छा तक नहीं होता, तो ये दिया गया फलन अच्छा तक नहीं है। आ गया समझ में, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा भी गया क्या है एग्जाम में कई बार, ठीक है। मान लीजिए कि समस्त ये जो स्मॉल है ना वो कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, फंक्शन एक्स हमें ये दिया गया है, यहाँ एक्स नहीं होगा यहाँ एन होगा, ठीक है। यदि एन का विषम लेते हो तो ये फलन लेना है, और अगर एन आप सम लेते हो तो ये लेना है, ठीक। द्वारा परिभाषित एक फलन जो कि प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, बतलाइए कि क्या फलन एफ एकाकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए, एकाकी आच्छादी मतलब देखो एकाकी आच्छादी कब बोलेंगे, जब एकाकी भी हो और आच्छादक दोनों हो,
ठीक है, दोनों में से कोई एक मना करेगा तो एक ही अच्छा दिख नहीं होगा। तो देखो क्योंकि हमारे पास जगह कम है तो इस हिसाब से कर रहे हैं हम। चलो करते हैं, दिया है करके लिखेंगे, एग्जाम में जैसे लिखना है दिया है कि ये जो n है वो यहाँ से आ रहा है और एफ एन है यहाँ पर, ये हम दे रखा है n प्लस वन बट्टे दो। हमें तब लेना है जब n विषम हो, और n बट्टे दो तब लेना है जब n सम हो। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, क्योंकि जगह कम है तो मिटा देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले हमें चेक करना है एक एकी के लिए, किसके लिए, एक एकी के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं आपको जो भी बताऊंगा थोड़ा फिगर की मदद से बता दूँ ताकि थोड़ा आप समझ पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ चीज़ों को बेहतर, ठीक है। सो देखो यहाँ पर ना n मतलब x की जगह पर यहाँ पर n के फॉर्म में है, और यहाँ पर y जो है वो डिपेंड करेगा कि हम n सम ले रहे हैं या विषम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो अगर n मैंने n देखो n हम यहाँ देखो n n से आ रहा है ये बोल रखा है ना, इसके पास सारा प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और n से n में जा रहा है और इसके पास ये पूरा प्राकृतिक संख्या, दोनों के पास n n है। देखो इसके पास 1 है 2 है 3 4 5 चल रहा है, इसके पास भी वही सब चीज़ें हैं, सारा कुछ है। तो देखो यदि यदि n बराबर में 1 लेता हूँ, n बराबर 1 ये क्या है, विषम है, तो विषम के लिए क्या लेना पड़ेगा, एफ एन बराबर ये हो जाएगा एन प्लस वन बट्टे दो, यानी कि एक प्लस एक बट्टे दो, दो बट्टे दो एक, यानी कि एक ने मुझे एक दिया, एक ने मुझे एक दिया। अब दो रख के देखो, यदि एन बराबर दो तो दो क्या है, सम है, और सम के लिए ये वाला है, तो एफ एन बराबर क्या होता है, एन बट्टे दो, यानी कि दो बट्टे दो, दो एक कम दो, ठीक है। और आप खुद देख रहे हैं कि भैया दो ने भी तो एक दे दिया, दो ने भी एक दे दिया, दो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट ने, दो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट ने सेम आउटपुट दे दिया। तो जब दो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट देता है तो उस वो क्या होता है, एकी होता है, नहीं होता है। तो वही चीज़ हम लिखेंगे, चूंकि चूंकि एफ वन सॉरी पहले लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा वन और टू आपस में बराबर नहीं है, परंतु एफ वन किस और जो F2 है दोनों के दोनों वन दे रहे हैं, अतः एकाकी नहीं है, अतः एकाकी नहीं है। क्या अच्छा तक होगा, बात यहाँ पे आ जाती है, क्या अच्छा तक होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ अच्छा तक के लिए। देखो अच्छा तक का लॉजिक क्या है, अच्छा तक का लॉजिक क्या है कि सह प्रांत में उपस्थित सभी अवयव का प्रतिचित्रण मिलना चाहिए, भले ही एक मिले दो मिले तीन मिले उससे मतलब नहीं है, मिलना चाहिए ये जरूरी है, किसी का भी छूटना नहीं चाहिए। देखो वन का प्रतिचित्रण एक नहीं दो दो मिल रहे हैं हमें, वन का मुझे वन मिला, टू का मुझे ये मिला, तो मिला जरूर, ऐसे टू का जरूर मिलेगा दो, यहाँ पर तीन का भी मिलेगा, चार का भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ऐसे प्रश्नों में ना क्योंकि दो फलन है, एक नहीं दो दो फलन है, तो मानना मत एफ एक्स बराबर वाई, मानने के कोई फायदा नहीं है कि दो है ना सम विषम की स्थिति में। तो ऐसे प्रश्नों का लिखने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, किताबी लैंग्वेज से हट के लिखा दूं मैं, प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे, क्या प्रश्नानुसार ऐसे लिखोगे आप, प्रश्नानुसार सह प्रांत के प्रत्येक प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए या फिर ऐसे भी लिख देना, चूंकि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, इसलिए यह आच्छादक होगा, ठीक है, आच्छादक होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जाता है प्रेजेंटेशन में, पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं से कोई नंबर नहीं कटेगा। और ये जो मैं चित्र बनाता हूँ ना, ये भी आपको बनाना है, मैं कोई भी चीज़ फालतू का नहीं कराता हूँ, जो भी चीज़ यहाँ बता रहा हूँ लिखा रहा हूँ एज इट इज़ एग्जाम में ज़रूर करना, पूरे नंबर मिलेंगे। मैं खुद एक टीचर हूँ यार, तो आपका भला ही चाहूँगा, आपका दोस्त भी हूँ,
आपका भाई भी हूँ, आपका टीचर भी हूँ, तो आपका भला ही चाहूँगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं बोलूँगा जिससे आपको नुकसान हो, और मैं कभी कोई गलत कॉन्सेप्ट नहीं बताता हूँ आप लोगों को, कभी नहीं, ठीक है। विद्या माँ सरस्वती की बहुत इज्जत करता हूँ। कई टीचर ऐसे हैं जो व्यूज़ के चक्कर में उन्हें खुद कुछ नहीं आता, वो उल्टा पुल्टा सीखते हैं और वो आपको पढ़ाते हैं, और उनके मिलियन में भी सब्सक्राइबर हैं। मुझे बहुत बेकार लगता है। देखो, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती ना, तो मैं उस पर हाथ पैर नहीं मारता। अगर मुझे कोई चीज़ आती है, मुझे पूरा नॉलेज है उस पर, तभी वो चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज़ आती है, ठीक है, अगर उस पर मैं पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो वो मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, ठीक है। आधा अधूरा नॉलेज बहुत ख़तरनाक होता है, ठीक है, तो उससे बच के रहना है, ऐसे टीचरों से भी बच के रहना है। अगला क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा सा और शानदार। यहाँ देखिए, हमें मेंशन किया गया है, ये जो ए है कैसे सेट है, पूरा का पूरा आर है, उसके पास तीन नहीं है। बी एक ऐसा सेट है कि उसके पास पूरा का पूरा आर है लेकिन एक नहीं है, और फंक्शन एक्स हमें ये दे रखा है कि एक्स माइनस टू बट्टे में एक्स माइनस थ्री, ठीक है। परिभाषित फलन ए से बी में जा रहा है, क्या ये एकाकी है तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी देना है, ठीक है, अपने उत्तर का औचित्य भी देना है। देखो, मैं चित्र बना के दिखा दूँ पहले, सबसे पहले अब मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक्स होता है और ये हमारे पास वाई होता है, तो यहाँ एक्स वाई नहीं, ए बी के फॉर्म में बोला है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए के पास पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है सिवाय तीन को छोड़कर, ठीक है, इसके पास तीन नहीं है, और इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है सिर्फ एक को छोड़कर, एक नहीं है इसके पास, और ये हमारा फलन है। ऐसे चित्र बना के दिखाना एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले आ जाएंगे एकाकी के लिए, ठीक है दोस्त, एकाकी के लिए नंबर वन, एकाकी के लिए क्या होता है, हाँ माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक है, ये हमारा फंक्शन हमें दे रखा है। तो देखो, यहाँ रख देंगे हम एक्स, जहाँ जाए वहाँ एक्स वन रख दो, एक्स वन बट्टे दो, एक्स वन बट्टे तीन, यहाँ आ जाएगा एक्स टू बट माइनस दो, एक्स टू माइनस थ्री, तिरछी गुणा कर दोगे, एक्स वन एक्स टू, एक्स वन से गुणा किया तो ये आ जाएगा थ्री एक्स वन, फिर आ जाएगा टू एक्स टू, और दो तीन छः, फिर गुणा करो यहाँ से एक्स वन एक्स टू माइनस के टू एक्स वन, ठीक है, फिर तीन से गुणा करेंगे, तीन दूनी छः माइनस के, देखो तीन दूनी छः माइनस प्लस माइनस माइनस के, किससे गुणा किया यार, एक्स वन एक्स टू, और एक्स वन के साथ दो आ गया, फिर तीन से गुणा करेंगे थ्री एक्स टू आ जाएगा, ठीक है, प्लस के थ्री एक्स टू, और प्लस माइनस के थ्री एक्स टू, प्लस के कैसे, ये प्लस माइनस हमें ले डूबेगा। अब देखो, इधर एक्स वन एक्स टू है, इधर एक्स वन एक्स टू कटा, इधर छः है, इधर छः है कटा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बचा, माइनस के थ्री एक्स वन माइनस के टू एक्स टू, इधर बचा माइनस के टू एक्स वन, और इधर बचा माइनस के थ्री एक्स टू। एक्स वन को एक तरफ लाओ, एक्स माइनस का टू एक्स वन इधर के प्लस का हो गया, और माइनस का टू एक्स टू इधर के प्लस का एक्स टू हो गया, इधर से बचा माइनस के एक्स वन, इधर से बचा माइनस के एक्स टू, तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, अतः यह एकाकी है। ऐसे करना एग्जाम में, ठीक है, ये एकाकी है। और ये जो एक्स वन और एक्स टू हमने लिया था, वो कहाँ से लिया था, ए से लिया था, ये आप बोल देंगे, इस सेट से लिया जाता है एक्स वन एक्स टू, ठीक। ये सब अगर मेंशन नहीं करोगे, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। अब आ जाओ आच्छादक पर, ठीक है, अब कहाँ आ जाएंगे, आच्छादक पे आ जाएंगे, तो ये आच्छादक भी होगा, ठीक है, ये क्या होगा दोस्त, आच्छादक भी होगा। देखो इसको कैसे करना है, अब देखिए यहाँ आ जाएंगे आच्छादक के लिए, देखो माना, इसे मानना पड़ेगा, एक ही फंक्शन है ना, एफ एक्स बराबर वाई, तो हमारे पास y के स्थान पर क्या है, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ से x का मान निकालना होता है, चूँकि ये x है और ये हमारा y है, तो गुणा करेंगे तो यह जाएगा y x माइनस थ्री एक्स माइनस टू, गुणा कर दोगे अंदर yx,
माइनस के 3y और यहाँ से x माइनस 2। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना है, तो y x प्लस के x इधर के माइनस का हो गया और माइनस का 3y उधर के प्लस। ठीक, यहाँ से x ओवर इंस्ट आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 1, 3y माइनस 2। यहाँ से x का मान आ जाएगा 3y माइनस 2 बट्टे में y माइनस 1। ये चीज़ लिखनी है एग्ज़ाम में। ठीक है, यानी कि जो x है वो हमारे पास क्या है, 3y माइनस 2 बट्टे में y माइनस 1। देखो मैं मोटा मोटा लिख दे रहा हूँ, इसके पास तीन नहीं है और इसके पास एक नहीं है, बाकी पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्या को छोड़कर सारे आ जाते हैं, बट्टे वाला आ जाता है, दशमलव वाला आ जाता है, अंडरूट वाला आ जाता है। ठीक है, अंडरूट वाला नहीं आता, सॉरी, सारे आ जाते हैं, मतलब जो अपरिमेय संख्या उनको छोड़कर सारे वहाँ आ जाते हैं, प्लस के आ जाते हैं, माइनस के आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये चीज़ है ही नहीं और ये चीज़ है नहीं, तो इसके पास अगर मैं कुछ भी रखूँगा, आप कोई भी मान सोचो, एक्स वाई जेड कोई भी मान सोचो, जैसे अगर यहाँ पर सोचो वाई का मान तुम 2 सोच लो, मैं आपको 2 रख के दिखाता हूँ, यदि वाई बराबर तो एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पर रखना है ना, तो 3 × 6 माइनस 2 बट्टे 1, जहाँ जहाँ वाई था वह 2 रख दिया, 4 में से 2 कटा, 6 में से 2 कटाएंगे 4, तो ये 4 आ गया, तो 2 रखने पे मुझे 4 मिला है। 2 भी वास्तविक संख्या में आता है, 4 भी वास्तविक संख्या में आता है। कुछ और सोचो, जैसे 3 सोचो, 5 सोचो, 10 सोचो, बट्टे में सोचो, कुछ भी सोचो, तो हर एक पद का प्रतिचित्रण यहाँ ज़रूर मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। तो क्या लिखोगे, चूँकि सह प्रांत में उपस्थित सभी अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, अर्थात दिया गया संबंध आच्छादक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, एंड में लिख दोगे ये चीज़। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, आराम से हो गया। चलिए, अब कई बच्चे ना ये जो क्वेश्चन है सोच रहे हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, भाई सबसे बड़ी गलती कर दोगे तुम, ये सिलेबस में है, गॉफ फॉग वाला, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, ये आपके उदाहरण से क्वेश्चन उठाया मैंने, आपके नई एनसीईआरटी बुक के उदाहरण में है, यानी कि आपके सिलेबस में है, तो अगर आप ये पढ़ के नहीं जा रहे हो तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे और आप फिर अटक जाओ, तो जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को रखा है ताकि आप अपनी आंखें खोल के पढ़ के जाओ। ठीक है, जिस तरीके से ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे ही मैं सारे चैप्टर की वन शॉट वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, लेकिन वन शॉट तभी हेल्प करेगा जब आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होगी, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कि जो फलन है वो इससे इसमें जा रहा है, इस सेट से ना इस सेट में जा रहा है, ठीक है, और जो दूसरा फलन है जी वो इससे इसमें जा रहा है, दो फलन है, एफ टू ने मुझे 3 दिया, F3 ने मुझे 4 दिया, ठीक है, और G3 ने मुझे ये दिया ये दिया, तो मुझे गॉफ निकालना है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, गॉफ निकालना है, तो सबसे पहले गॉफ निकालो, जी ऑपरेशन F निकालना है। ठीक, सो देखिए F में अगर आ जाओ तो F2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 4 और 5 3 दे 5 दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर दें F2 से, 2 से स्टार्ट करेंगे, तो लिखने का तरीका क्या होता है, जी F2 ऐसे लिखा जाता है, तो F2 का मान कितना है, 3, तो यहाँ 3 आ गया, फिर G3 हो गया, G3 का मान कितना है, G3 का मान 7 है। ठीक, G3 G4 का मान 7 है, गॉफ अब आ जाओ, गॉफ 2 हो गया, 2 के बाद क्या निकालना है, यहाँ पर 3 है तो 3 लगा दो, तो इसको लिखेंगे GF3, तो GF3 का मान कितना है, F3 का मान है 4, तो G4 का मान कितना है, G4 का मान कितना है, 7 है। ठीक है, और 3 हो गया, अब 4 पे आ जाओ, गॉफ, तो इसको लिखने का तरीका है ये, तो F4 का मान कितना है, F4 और 5 का मान कितना है, 5 है, तो रखो 5 बाहर से, G5 का मान कितना है, G5 का मान है 11। ठीक है, उसके बाद 3, 4 का हो गया, 5 पे आ जाओ, 5, तो G5 का मान भी 5 है। ठीक है, F5 का मान देखो, F5 का मान 5 है, और यहाँ ये G5 बन गया, G5 का मान कितना है, 11 है, बस
ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। यही हमसे निकालने के लिए बोला था। ये क्वेश्चन आ सकता है दो नंबर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गॉफ फॉक का लिया हुआ है, ये क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए या फिर सब्जेक्टिव में एक नंबर में आ जाए। कह रहे हैं देखो, जो फंक्शन जा रहा है आर से आर में जा रहा है, और जी जो फंक्शन है वो भी आर से आर में जा रहा है, आर से आर में। तो आराम से गॉफ फॉक की जो अभिक्रिया है, ठीक है, वो हो सकती है। एफ एक्स हमें ये दे रखा है और जी एक्स हमें ये दे रखा है, तो गॉफ निकालना और फॉक निकालना। तो सबसे पहले गॉफ निकालते हैं। गॉफ का मतलब होता है जी ऑपरेशन एफ, तो इसको लिखा जाता है जी एफ एक्स। एफ एक्स क्या है हमारे पास? कॉश एक्स। तो जी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देना है? कॉश रख देना है। तो थ्री एक्स के स्थान पर क्या रख दिया? कॉश। तो ये हो जाएगा थ्री कॉश स्क्वायर एक्स। ये मुझे मिला गॉफ। अब मुझे निकालना है फॉग, एफ ऑपरेशन जी। ठीक, एफ तो जी एक्स, जी एक्स क्या है मेरे पास? थ्री एक्स स्क्वायर। अब ये एफ में जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखना है? थ्री एक्स स्क्वायर। तो कॉश एक्स के जगह पर रख दिया थ्री एक्स स्क्वायर। तो देखो समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से क्या ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो ये जो गॉफ है वो बराबर नहीं है फॉग के, यही आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। ठीक, आपके एनसीईआरटी उदाहरण से उठाया मैंने, तो ये सिलेबस में है, गलती मत करना। ये आप पढ़ नहीं रहे हो ना, तो ये गलती मत करना, इसलिए मैंने उठाया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, अब आपको कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ऑलरेडी। ये जो क्वेश्चन मैंने करा है अभी वो एनसीईआरटी और के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए। अब ऐसे क्वेश्चन मैं लूंगा जो बोर्ड एग्जाम में कई कई बार पूछे गए हैं, लगातार अब पूछे गए हैं। अभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, अभी भी यहाँ से 20 क्वेश्चन हम और करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? यदि ए आपके पास ए बी सी है, बी आपके पास 1,2 है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या हमें बताने की कितनी होगी? सो देखो ऐसे प्रश्नों में संबंधों की संख्या निकालनी है, हल पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए से बी में संबंधों की संख्या। ये क्वेश्चन आपके एक नंबर में आ सकता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर ए में उपस्थित जो अवयव है उसके गुणा करना है बी में उपस्थित अवयव के साथ, एन ए एन बी। ए में कितने उपस्थित हैं? 3, तो 2 की पावर 3। बी में कितने उपस्थित हैं? 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, यानी कि 64। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में आ सकता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन वहाँ एन से एन में था और यहाँ आर से आर में है, एग्जाम में आता है बार बार। तो देखो एक है कि और अच्छा देखा है कि नहीं, ये हमें पता करना है। तो यहाँ आ जाओ हल में। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, जैसे एग्जाम में लिखना पहले वैसे लिखवाता हूँ। दिया है जो फंक्शन एक्स हमें दे रखा है वो है 2x, और जो फंक्शन जा रहा है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ठीक है, ये बड़ी बात है। सो देखो ये हमारे पास जो आर से आर में जा रहे हैं और ये हमारे पास 2x है। ठीक है, सो हम लिखेंगे यहाँ पर एक एकी के लिए। चित्र बना के दिखाऊंगा मैं आपको एक एकी के लिए। सो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स होता है और यहाँ पर वाई होता है। ठीक है, एक्स होता है और ये वाई होता है, और इसके पास पूरा का पूरा वास्तविक संख्या, इसके पास पूरा का पूरा वास्तविक संख्या। आप ऐसे चित्र ज़रूर बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक, तो एक एक के लिए क्या होता है? यदि fx1 = fx2, तो यहाँ पर रखो सूत्र में, तो ये हो जाएगा 2x1 = 2x2, 2 से 2 कटा x1 = x2 आ गया। फॉर एवरी x1, x2 कहाँ से आता है? यहाँ से आता है r से, अतः यह एक एकी है। x1 x2 के बराबर आ गया, एक एकी, अतः एक एकी है। अगर आपको समझना है बाई फिगर समझना है, जैसे मैंने r है ना, 1 रखोगे यहाँ गुणा करो, 1 × 2 = 2, 1 ने मुझे 2 दिया, माइनस के 1 रखोगे -1 मुझे -2 देगा, 3 रखोगे 3 × 6 = 6, -3 रखोगे -3 × -6 = 6। तो यानी कि आपको क्या दिख रहा है,
आपको ये दिख रहा होगा कि एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, डिफरेंट डिफरेंट दे रहा है, सेम नहीं दे रहा है, कोई दो आउटपुट या सॉरी दो इनपुट या तीन इनपुट सेम आउटपुट नहीं दे रहे, हर एक अलग अलग दे रहा है। तो ये क्या किए हैं, ठीक है। अब आ जाओ अच्छा तक पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या चेक करेंगे अच्छा तक के लिए। सो देखो अच्छा तक के लिए, देखो यहाँ पे आ जाओ अच्छा तक के लिए, अच्छा तक के लिए क्या होते हैं, हम क्या मानते हैं एफ एक्स को वाई मान लेते हैं, माना वाई, तो वाई बराबर हमारे पास क्या है टू एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा वाई बट्टे दो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई बट्टे दो। अब आप सारे मतलब अच्छा तक क्या होते हैं कि आर के बाद जितने भी पद हैं उन सभी का प्रतिचित्रण यहाँ उपस्थित होना चाहिए, एक का भी छोड़ना नहीं चाहिए। अब आपके बारे में कुछ भी आ रहा है सोचो, क्योंकि इसके पास वास्तविक संख्या ना वास्तविक ही लोग काल्पनिक नहीं ले सकते और ना ही हम अपरिमेय संख्या ले सकते हैं। तो देखो जैसे मैंने क्या किया, माना वाई मैंने जीरो मान लिया, माना वाई बराबर जीरो, तो एक्स का प्रतिचित्रण क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वाई बट्टे दो है तो जीरो बट्टे दो जीरो, तो जीरो की जो प्री इमेज है जीरो, जीरो भी आर के पास होता है और ये भी आर के पास है। और जैसे वाई का मान तुम मान लो एक बट्टा एक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक बट्टे दो, तो एक बट्टे दो प्राकृत वास्तविक संख्या के पास होता है, तो एक का भी प्रतिचित्रण मिल गया। तो आप लिखोगे कैसे फाइनल, यहाँ लिखोगे एंड में जो लिखने में मुँह से बोल दे रहा हूँ, चूंकि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, अतः दिया गया फलन अच्छा तक है, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, दोबारा से यहाँ आ गया है, ठीक है, तो ये आप कर लेना। अगले प्रश्न में आ जा दो, ये प्रश्न शानदार है, हमसे क्या बोल रहे हैं, परिभाषित एक संबंध है, इसका परिसर ज्ञात कीजिए, जो भी हमें संबंध दे रखा है ना इसका परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। और x और y जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, z से आ रहे हैं, पूर्णांक से आ रहे हैं, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आप जोड़ते हो तो उसका मान चार से कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा संबंध बनाना है, एक्स और वाई जेड से लेने, पूर्णांक से लेने, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अगर आप जोड़ो तो वो चार से कम आने चाहिए। तो देखो क्या हो सकता है, वो देखो मैंने एक्स का मान वन लिया और वाई का मान जीरो लिया, तो ऐसे एक का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर चार से कम हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, माइनस एक लिया जीरो ले लिया, चार से कम आएगा। फिर मैंने दो मान नहीं ले सकती, क्योंकि जैसे ही दो करोगे चार से चार के बराबर हो जाएगा, चार से छोटा लेना है। फिर मैंने यहाँ जीरो ले लिया और यहाँ वन ले लिया, और फिर यहाँ जीरो ले लिया, यहाँ माइनस के वन ले लिया, एक के ऊपर जैसे जाऊँगा चार हो जा रहा है। तो यही चीज़ है, ठीक है, यही चीज़ है। तो हमें क्या निकालना है, परिसर निकालना है। परिसर क्या होता है, वाई वाला मेंबर, ठीक है, परिसर बोला है। अगर एग्जाम में बोल देता प्रांत बताओ तो वो भी मैं बता देता हूँ, परिसर होता है वाई वाला, प्रांत होता है एक्स वाला। तो परिसर जीरो है, हालांकि दो बार लेकिन लिखा एक बार जाएगा, और क्या माइनस के वन है, अच्छा प्लस के वन भी तो है, प्लस के वन भी है, वन जीरो माइनस वन जीरो, जीरो वन जीरो माइनस वन, और प्रांत भी वही है जीरो माइनस वन वन। तो यही चीज़ हो सकता है, ये क्वेश्चन एक नंबर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं ये जो सिद्ध करना है कि जो फलन है आर से आर में जा रहा है, ये हमारा फलन है, चिन्ह फलन है ये, ठीक है, ये सिग्नम चिन्ह फलन है, ना तो ये क्या की है और ना ही अच्छा तक है। शानदार क्वेश्चन है, 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले ये देखो, फंक्शन को मैं ब्रेक करता हूँ, चित्र बना के आपको समझाता हूँ। पहले देखो, पहले चित्र बना के मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जो फलन है ना, यहाँ पर वन है, जीरो है और माइनस वन है, हालांकि ये आर से आर में जा रहा है। एक्स का मान, एक्स के पास पूरा आर है, देखो
एक्स का मान अगर जैसे जीरो से बड़ा लोगे, जैसे वन लो, टू लो, थ्री लो, और अगर जीरो लेते हो और एक्स जैसे छोटा मान लेते हो, जैसे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो देखो प्रश्न में ये बोला गया है ना कि अगर एक्स का मान जीरो से बड़ा लेते हो तो वो आपको हमेशा वन देता है, यानी कि वन, जीरो से बड़ा वन, वन आपको वन देगा, टू भी आपको वन देगा, थ्री भी आपको वन देगा। तो ये मैंने दो तीन एग्जाम्पल दिए, जीरो आपको जीरो दे रहा है, और जैसे ही एक्स का मान जीरो से छोटा लोगे, माइनस में लोगे, माइनस वन आपको माइनस वन देगा, माइनस टू आपको माइनस वन देगा, माइनस थ्री आपको माइनस वन देगा, ठीक है। अब देखो एक एक क्यों नहीं है, ठीक है, एक एक क्यों नहीं है, क्योंकि दो से ज़्यादा इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, एक एक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो दो से ज़्यादा इनपुट सेम आउटपुट दे रहा है, एक एक नहीं है, एक एक में एक इनपुट एक ही आउटपुट देता है, बात खत्म, एक एक नहीं है। अच्छा तक क्यों नहीं है, आप बोलोगे सर यहाँ वन है, वन का प्री इमेज देखो कितने सारे मिल रहे हैं, यहाँ जीरो कितने मिल रहे हैं, यहाँ माइनस वन कितने मिल रहे हैं, सर सबका तो मिल रहा है। भाई सबका मिल नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास पूरा का पूरा आर है, पूरे का पूरा आर मतलब वास्तविक संख्या है, इसके पास और भी नंबर्स हैं, कौन कौन से मैं लिख के दिखाऊँ, इसके पास जैसे नंबर है, इसके पास दो है, इसके पास तीन है, इसके पास माइनस के चार है, इसके पास एक बट्टा दो, ऐसे कई सारे अनगिनत नंबर है, तो हमें सिर्फ इन तीन का ही प्री इमेज मिला है, वन जीरो माइनस वन, बाकी किसी का तो मिला ही नहीं, और एक का क्या अगर छूट जाता है तो अच्छा तक नहीं होता है, यहाँ तो अनगिनत नंबर है जिनका छूट रहा है तो अच्छा तक भी नहीं है, समझिए कॉन्सेप्ट। अब लिखना है कैसे वो देखिए, तो सबसे पहले आ जाएंगे एक एक के लिए, एक एक के लिए, एक एक के लिए क्या होगा, तो लिखेंगे चूंकि वन बराबर नहीं है टू के, परंतु एफ वन जो है वो भी मुझे वन दे रहा है और एफ टू भी मुझे वन दे रहा है, अतः यह एक एक ही नहीं है, ठीक है, एक एक ही नहीं है। अच्छा तक के लिए कि वही लैंग्वेज लिखोगे, चित्र जरूर बना लेना, ठीक है। अच्छा तक के लिए जैसे आप यहाँ पे लिख दो, सह प्रांत में उपस्थित चूंकि टू जो है वो सह प्रांत में है, परंतु परंतु एफ टू का जो प्री इमेज है वो है ही नहीं, तो ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हो। अच्छा तक के लिए क्या लिखोगे, चूंकि प्रश्नानुसार सह प्रांत में उपस्थित सिर्फ तीन पद को छोड़कर, तीन पद कौन कौन से, वन, अरे यार वन, जीरो और माइनस वन के ही प्रतिचित्रण मौजूद है, बाकी किसी भी संख्या का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसी वजह से यह अच्छा तक नहीं है। ये लैंग्वेज हिंदी में लिखोगे बस, ठीक है, आराम से बन गया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्या स्वतुल्य सममित संक्रामक और एकाकी अच्छादक, ये आपके सिलेबस में और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, और यही लिया है मैंने, दावे के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं आएगा ना मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, और यही अगर आप बना के चले जाते हो ना तो यहीं से फंस जाएंगे। एक प्रश्न आता तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध क्या होता है, अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है तो वो तुल्यता है, सीधी सी बात है। ये वाला क्वेश्चन है, फंक्शन क्यू से क्यू में जा रहा है, क्यू क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जानते हो ना, देखो कितनी बार पूछा गया है, तो इस साल हो सकता है 2024 में भी आ जाए, और फंक्शन एक्स हमें ये दे रखा है, हमसे पूछ रहा है क्या ये एकाकी है, क्या ये अच्छादक है, ये हमसे पूछ रहा है, तो एकाकी के लिए आ जाते हैं, एकाकी के लिए यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन है, यहाँ रखेंगे हम, हर एक एक्स कहाँ से आ रहा है, क्यू से आ रहा है, तो यहाँ रखेंगे एक्स की जगह एक्स वन, माइनस चार से माइनस चार कटा थ्री एक्स वन बराबर थ्री एक्स टू, थ्री से थ्री कटा एक्स वन बराबर आ गया एक्स टू के, एक एक ही है, फॉर एवरी एक्स वन कॉमा एक्स टू कहाँ से आ रहा है, क्यू से आ रहा है, एक एक ही है। अब आ जाओगे अच्छा तक के लिए, किसके लिए, अच्छा तक के लिए, अच्छा तक के लिए क्या होता है, माना
माना एफ एक्स बराबर वाई हम मान लेते हैं, तो एफ एक्स बराबर जैसे ही हमने वाई माना तो वाई बराबर हमारे पास हो जाएगा 3x-4 और माइनस का 4 इधर के प्लस का 4 और ये हो जाएगा वाई प्लस 4 बट्टे में 3 गुणा में इधर के बट्टे में हो जाएगा, तो x का मान ये आ गया। अगर मैं चित्र बना के दिखाऊँ तो हमारे पास ये x होता है और ये y होता है, ठीक है। तो x हमारे पास है y प्लस 4 बट्टे में 3 और इधर हमारे पास है y, इसके पास पूरा का पूरा q है, इसके पास पूरा का पूरा q है। परिमेय संख्या, जो भी परिमेय संख्या आपको लेनी है। अच्छा जीरो क्या होती है बताओ, जीरो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, आप जानते हो ना, इसके पास जीरो है। देखो अगर जीरो ले लोगे, अगर मैं वाई क्या ले लूँगा, जीरो ले लूँगा, तो एक्स और जीरो प्लस 4/3, ये 4/3 पी बट्टे क्यू के रूप में परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या लिया, परिमेय संख्या मिला, यानी कि इसमें उपस्थित हर एक पद कोई सा भी लो, तुम अपने मन में कोई सा भी नंबर सोचो परिमेय होना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि इसके पास परिमेय ही है ना। तो अगर परिमेय संख्या तुम जैसे दो लोगे, 1/2 ले लोगे, हल करने में तुम्हें परिमेय ही मिलेगा जो कि इसमें उपस्थित है, तो क्या लिखोगे इसके बाद, इसके अगले प्रोसेस में क्या लिखोगे, चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, अर्थात दिया गया फलन एक आच्छादक फलन है, ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है, यानी कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, एकाकी आच्छादक फलन है, ठीक है, एकाकी आच्छादी है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाएगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैंने ले लिया तुल्यता संबंध वाला, ठीक है, एग्जाम में आते हैं ना, देखो कितनी बार पूछा गया है और शानदार क्वेश्चन है, कह रहे सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में a से b में एक ऐसा संबंध है कि संख्या 5 a माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक है, संख्या 5 a माइनस बी को विभाजित करती है, तो प्रदत्त फलन एक तुल्यता संबंध है, यह हमें बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आ जाएंगे पहले वाले में, एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी किसी चीज़ को हमें सिद्ध करना होता है उसे बाई लैंग्वेज सिद्ध करते हैं, और किसी चीज़ को अगर मना करना होता है तो बाई एग्जाम्पल लेके मना करते हैं, ठीक है, ये चीज़ अपने खोपड़े में डाल लो। तो सबसे पहले आ जाएंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ, यदि देखो यदि हम ले लेते हैं ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर अगर लेते हैं, ठीक है, तो संख्या 5 इसको विभाजित करनी चाहिए, ये मेन स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये जो ए हम ले रहे हैं वो समुच्चय जेड दे रखे हैं, यदि ए हम ले रहे हैं जेड से, ठीक है, तो ए कोमा अगर ए आर में होगा तो ए की जगह ए और बी की जगह पर ए है, तो क्या होगा ए माइनस बी, यानी कि ए की जगह है बी की जगह पर ए, तो ए माइनस ए क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो हर किसी संख्या से विभाजित होती है, 5 के 10 किसी भी संख्या से विभाजित होती है, ठीक है, चूंकि जीरो संख्या 5 से विभाजित है इसलिए यह स्वतुल्य है, अर्थात ए कोमा ए कहाँ है, आर में है, ठीक है, कंडीशन को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है, स्वतुल्य हो गया। अब आ जाओ सममित, सममित संबंध, सममित में क्या होता है, यदि a कोमा b हम r में लेते हैं तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि a माइनस b 5 से विभाजित है, ठीक, ये प्रश्न बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रश्न बोल रहा है, अगर a का संबंध b में है तो संख्या 5 से a माइनस b को विभाजित करता है, ठीक, यही बोला है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस ओपनिश ले लिया, तो ये हो गया b माइनस a, तो ये भी तो 5 से विभाजित है कि नहीं, अगर देखो एक संख्या 5 से कट रही है तो माइनस 5 भी तो 5 से कटेगा, प्लस माइनस यहाँ मुझे लेना देना नहीं, हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि 5 से कटना चाहिए, तो अगर 5 से कट रही है तो माइनस 5 भी तो 5 से कटेगा, तो इसके सामने बस माइनस लगा है। अगर a का संबंध b के साथ था तो a माइनस बी 5 से कट रहा था, यानी कि अगर a माइनस बी 5 से कट रहा है तो a का संबंध b के साथ है, अगर b माइनस a 5 से कट रहा है तो b का संबंध किससे हो जाएगा, r के साथ हो जाएगा, इसलिए b का संबंध क्या हो जाएगा, r के साथ हो जाएगा,
और ये जो ए और बी है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो जेड से आ रहे हैं, सॉरी प्रश्न में जेड था, ठीक है। स्वतुल्य भी है, सममित भी। अब संक्रामक भी होगा ये दिखाना है, क्योंकि सिद्ध घन है ना, तीनों होंगे। अब आ जाओ तीसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में क्या है, संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध भी हमें सी के साथ दिखाना होता है। तो देखो यदि ए का संबंध हम बी के साथ ले लेंगे, सबसे पहले तो लिखोगे चूंक यदि ए कॉमा बी कॉमा सी कहाँ से आ रहे हैं, जेड से आ रहे हैं, और यदि ए कॉमा बी हमारे आर में, तो प्रश्नानुसार ए माइनस बी पाँच से विभाजित है, पाँच से विभाजित है। फिर हम लेंगे बी पे खत्म हो, बी शुरू करेंगे, बी कॉमा सी आर में है, तो क्या होगा, बी माइनस सी पाँच से विभाजित है। अब क्या है, इसको समीकरण एक मानो, इसको दो, अब फिर आपको जोड़ना होता है, समीकरण एक प्लस दो, ये स्टेप हर प्रश्न में आता है। फिर देखो यहाँ से पाँच से विभाजित है, पाँच से विभाजित है, ये उभयनिष्ठ स्टेप है, अंदर क्या जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और बाहर आ जाएगा उभयनिष्ठ वाला पार्ट, पाँच से विभाजित है, ठीक। तो माइनस के भी प्लस का भी कटा, तो ये आ गया ए माइनस सी पाँच से विभाजित है। अगर ए माइनस सी पाँच से विभाजित है, तो यानी कि ए का संबंध सी के साथ है, ए तो हमें चाहिए था, चूंकि दिया गया फलन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, अर्थात यह संबंध एक तुल्यता संबंध है, यह आप अंत में लिख दोगे। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव उसमें आ जाते हैं, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्टिव पे ना अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ढेर सारे क्वेश्चंस कराकर, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप जाके देख लेना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ले रखे हैं, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो, उसी हिसाब से इसको ट्रीट कीजिएगा। कह रहे यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयवों के जो अवयव हैं क्रमशः एम तथा एन है, तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी। अगर हमें संबंध निकालने, यहाँ पर फलन भी आ सकता था, फलन पे भी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, संबंधों की संख्या बतानी कितनी होगी। तो ए से बी बोला है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टू की पावर में ए में उपस्थित अवयव कितने हैं, एम है, गुणा बी में उपस्थित अवयव कितने हैं, एन है, यहाँ पर ठीक है, मिसिंग है यहाँ पर एन, तो वो गुणे में लग जाता है, तो सूत्र आ जाएगा टू की पावर एम एन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है, ये हमारा आर है, तो ये संबंध क्या होगा। देखो पहले तो 1 2 3 4 है, खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए, तभी वो स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है, चेक करते हैं। वन का संबंध वन के साथ, टू का संबंध टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, फोर का है फोर का फोर के साथ, तो ये स्वतुल्य है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं स्वतुल्य, तो भैया स्वतुल्य ये है, उसके बाद आ जाओ संक्रामक का, ठीक है, सममित। जैसे वन का टू के साथ है, तो टू का वन के साथ है, टू का वन के साथ ना, टू का वन के साथ नहीं है, सममित नहीं है। संक्रामक पे आ जाओ, जैसे यहाँ पे आ जाओ, वन का संबंध टू के साथ है, टू पे खत्म हो रहा कहीं पे, टू का संबंध टू के साथ है, तो यहाँ पे आ जाओ, स्वतुल्य तथा सममित है, किंतु संक्रामक नहीं है, गलत। स्वतुल्य सममित कहाँ से, सममित नहीं है। फिर ये बोले स्वतुल्य तथा संक्रामक है, सममित नहीं है, देखो। फिर यहाँ देखो सममित तथा संक्रामक है, कि तू स्वतुल्य नहीं है, ये गलत है, स्वतुल्य तो है भाई, और ये तुल्यता संबंध है, ये भी नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, जब आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो तो आपको गलत ऑप्शन हटा देने हैं, ठीक है ना। अगर आप चार ऑप्शन में से तीन गलत ऑप्शन हटा दे तो सही ऑप्शन जो वही बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, हमें पता है कि सममित तो नहीं है, यहाँ बोला स्वतुल्य और सममित है, सममित नहीं है, ऑप्शन का पहला कट्टा, तुल्यता संबंध नहीं हो, क्योंकि सममित ने मना कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर ये बोला सममित और संक्रामक, सममित कहाँ से भाई, सममित है ही नहीं, तो ये भी गलत, तो ये ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है, स्टेटमेंट सही बोल रहा है, सही पकड़ रहा है, स्वतुल्य है, सममित नहीं, संक्रामक भी हो जाएगा। इस तरीके से दिमाग को चलाया करो। अगला क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा रहा है वन मार्क्स में, एनसीईआरटी का प्रश्न है,
कह रहे हैं यदि समुच्चय एन में संबंध आर परिभाषित है और आर दे रखा है ए से बी में ऐसा संबंध कि ए बराबर बी माइनस टू और बी का मान छः से बड़ा लेना है, छः से बड़ा लेना है तो बी का मान ये चार है ये गलत, बी का मान छः से बड़ा तो छः से बड़ा लेते हैं। तो हमारे पास प्रश्न में बोल रखा है कि जो ए है वो बी माइनस टू है, अगर आप बी आप आठ ले लेते हैं तो क्या होगा, ए क्या हो जाएगा आठ माइनस दो यानी कि ए छः आएगा, ठीक है। अगर बी आप सात लेते हो तो सात माइनस दो बी पाँच आएगा, ठीक है। तो सात लेने में बी पाँच आना चाहिए तो यहाँ आठ है, ये ऑप्शन गलत, आठ लिया आठ पे मुझे बी छः मिलना चाहिए, सॉरी ए छः मिलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और ये तीन बोलो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे मान लीजिए एल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है और एल वन एल टू पर लंब है, ठीक है, एल वन एल टू पर लंब है, एल में यह संबंध क्या है वो आपको बताना है, ठीक है, संबंध क्या है एल में वो आपको बताना है कि कैसा संबंध होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज पे आ जाओ, यहाँ पर जो लंब समझते हैं ना, ये जो एल वन रेखा है और ये जो दूसरी रेखा L2 है, ये लंबवत बोली है, ये लंब है। तो सबसे पहले आ जाओ, जो एक रेखा है खुद जो रेखा होती है ये एक रेखा है और दूसरी रेखा ये है, खुद रेखा खुद के कभी लंबवत हो सकती है ये बताइए, जो खुद की रेखा है खुद के साथ लंबवत हो सकती है, नहीं हो सकती ना। ये एक रेखा है L1 और यही रेखा है दूसरी भी L1, तो खुद का खुद रेखा खुद की लंबवत हो सकती है, लंबवत होने के लिए ऐसा होना पड़ेगा ना, नहीं हो सकती, तो ये स्वतुल्य तो बिल्कुल नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। अब बात होता है सममित, देखो सममित में क्या, अगर L1 L2 के L1 रेखा L2 के लंबवत है, L2 रेखा भी तो L1 के लंबवत है, तो ये सममित होगा। अब तीसरे स्टेटमेंट पर आ जाओ, देखो ढंग से देखना, अगर L1 रेखा L2 के लंबवत है, अगर L1 का संबंध L2 के साथ है और L2 का संबंध L3 के साथ है, मतलब L2 लंबवत किसके हैं, एक रेखा ले लिया मैंने L3, ठीक है। सो देखो जैसे अगर मैं बताऊं एक्स वाई जेड जो डायरेक्शंस होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक्स वाई के वाई जेड के जेड एक्स के होते हैं, तो ऐसी तरीके से ही है कि अगर L1 L2 के लंबवत है, L2 L3 के लंबवत है, तो L1 और L3 भी आपस में लंबवत हो जाते हैं, ठीक है, तो संक्रामक होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सममित और संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले में आ जाओ, ये हमारा समुच्चय है और ये हमारा संबंध दे रखा है, तो कैसा संबंध है, वन टू थ्री है, खुद का खुद के साथ, वन कोमा वन है, टू कोमा टू है, थ्री कोमा थ्री है, तो स्वतुल्य है। सममित देखो, वन कोमा टू है, क्या टू कोमा वन है, नहीं है, तो सममित नहीं है। संक्रामक देखो, वन का टू के साथ है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी तो किया था ना, तुल्यता संबंध है, गलत हो जाएगा क्योंकि सममित नहीं है, सममित है संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्यता है भाई, ये गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। फिर क्या बोल रहे हैं, स्वतुल्यता सममित है, सममित तो है ही नहीं भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन में बी बचा, स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ कि जो फलन हमारा जा रहा है समुच्चय एन में, आर हमें ये दे रखा है, प्रदत्त संबंध का प्रांत क्या होगा, समुच्चय एन में जा रहा है प्रांत, ठीक है, प्रांत एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एट प्लस का टू वाई, इधर क्या हो जाएगा माइनस का टू वाई, ठीक है, तो हमसे प्रांत पूछा है, तो एक्स वाई वाई की जगह पर जब हम एक रखेंगे, वाई नहीं है, वाई पे नहीं निकालना पड़ेगा, टू वाई बराबर हमारे पास है आठ माइनस के एक्स, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस एक्स बट्टे दो, ठीक है, प्रांत निकालना है, तो हल करके ऐसा मान x का मान ऐसा रखना है कि y भी आपको n मिले, n भी n हो y भी n हो, ठीक है, ये ध्यान रखिए, जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो n में नहीं आता है। अगर मैं x का मान यहाँ पर
एक रखूं तो यहाँ पर 7/2 आ जाएगा जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो एक नहीं ले सकता, दो लिया। 8 में से 2 करने के 6, 2 3 6 सही हो जाएगा। 2 एक्स की जगह पे 2 रखा और फिर एक्स की जगह पे 4 रखा, 8 में से 4 कटेंगे, 4/2 2 आ जाएगा। फिर 6 रखा, 8 में से 6 कटेंगे, 2/2 आ जाएगा। 8 रखोगे, 8 में से 8 कटाओ, 0 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं होता, 2 4 6 होगा। ऑप्शन नंबर 2 4 6 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स के मान को हम प्रांत कहते हैं और वाई जो आता है उसे हम परिसर कहते हैं, है ना। हमसे प्रांत पूछा था। अब देखो यहाँ से बोला है, फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए एक्स से वाई में, एक्स से वाई में। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, एक्स से जब वाई में फलन बोले तो वाई में कितने अवयव हैं, 2, और एक्स में कितने अवयव हैं, 3, उसके पावर में आ जाता है, तो 2.3 यानी कि एक्स की पावर वाई होता है सूत्र। एक्स से वाई में जाओगे तो सॉरी वाई की पावर एक्स, वाई की पावर एक्स यार, नंबर ऑफ वाई नंबर ऑफ एक्स पावर में, तो वाई की पावर 3 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। कह रहे हैं फलन जो जा रहा है एक्स से वाई में एक आच्छादक फलन है, यदि और केवल यदि एफ का परिसर किसके बराबर हो। देखो मैं आप समझो ना, चित्र बना लो, आपके दिमाग में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो चित्र बना लो। ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। आच्छादक कब होता है, आच्छादक कब होता है, जब जो वाई होता है जो सहप्रांत होता है वो परिसर के बराबर हो। ठीक है, केवल और केवल एफ का जो परिसर है, एफ का जो परिसर है किसके बराबर हो, वाई के बराबर हो। यह यूनियन फ्रीन के चक्कर में मत रहना। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है, हो गया। अगले वाले भी आ जाओ। कह रहे हैं यदि एक फलन n से n में जा रहा है और एफ एक्स हमें दे रखा है x-1 और x का मान 2 से बड़ा लेना है, परिभाषित है, और f1 = f2 है, ये 1 दे रहा है, तो सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ से ध्यान देखो, दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहा है, एक एक ही तो बिल्कुल नहीं होगा, एक एक ही नहीं है, है क्या कि नहीं है। ठीक है, और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है। यहाँ पे देखो एफ एक्स को हम क्या मानते हैं, आच्छादक के लिए वाई मानते हैं, तो वाई बराबर हमारे पास x-1 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, y+1। ठीक है, तो आच्छादक है, ठीक है, आच्छादक हो जाएगा, क्योंकि आप सपोज करो इसके पास भी n है और इसके पास भी n है और ये हमारा x जो है y+1 के बराबर है और ये y, आप कोई भी n ले, जैसे यहाँ में n यहाँ पर रखेंगे 1, तो यहाँ रखेंगे 1+1 2 आ जाएगा, तो प्रतिचित्रण मिलेगा। ठीक है, हर कुछ भी रखोगे प्रतिचित्रण यहाँ n में ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास भी n है और इसके पास भी n है, आच्छादक है, एक एक ही नहीं है। तो अच्छा ये बोला है बहु एक एक, एफ बहु एक का मतलब, देखो बहु एक मतलब जब दो इनपुट सेम आउटपुट देते हैं उसे बहु एक एक कहते हैं, क्या कहते हैं, बहु एक एक। तो ये बहु एक एक ही है और अच्छा देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, वीडियो को हर जगह शेयर करें। इस वीडियो पे मुझे आज के आज 500 लाइक चाहिए, जैसे ही 500 लाइक हो जाते हैं नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। आई स्वेयर आने वाले 12 से 13 दिनों के अंदर पूरा 1 शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं करवा दूंगा, बस आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है और आप ज़रूर करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी, उनको ज़रूर देख लेना। मैंने पुरानी NCERT नई NCERT पूरी ख़त्म करवा दी है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, मॉडल पेपर सैम्पल पेपर सब कुछ करा दिया है, जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, 50-50, 100-100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी करा दिए, वो भी मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में, जाके चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने 5 दोस्तों के साथ कम से कम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।